दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि अगर हम पीएनबी वन एप्लीकेशन का टी पिन भूल जाते हैं तो कैसे हम टी पिन को फॉरगेट कर सकते हैं, मतलब दोबारा पिन हम कैसे बना सकते हैं। और अगर आप 3 बार गलत टी पिन एंटर कर देंगे तो जो आपका ट्रांजैक्शन मोड है वो डिसेबल हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन मोड डिसेबल ना हो उससे पहले आपको अपने टी पिन को फॉरगेट कर लेना है। तो टी पिन को फॉरगेट करने के लिए जब आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे और जहां टी पिन एंटर किया जाता है उसी के नीचे आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है फॉरगेट टी पिन का, तो आपको फॉरगेट टी पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फॉरगेट टी पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो कई सारा ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसके थ्रू आप अपने टी पिन को फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है थ्रू डेबिट कार्ड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है थ्रू ट्रांजेक्शन पासवर्ड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है थ्रू ब्रांच, चौथा ऑप्शन दिया गया है थ्रू आधार ओटीपी। तो सबसे सही रहेगा कि फर्स्ट वाले ऑप्शन से आप अपने टी पिन को फॉरगेट कीजिए, मतलब डेबिट कार्ड के माध्यम से आप अपने टी पिन को रिसेट कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको अपने अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपके डेबिट कार्ड का 4 डिजिट का एटीएम पिन है, मतलब एटीएम मशीन में जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं और 4 डिजिट का एटीएम पिन यूज करते हैं, वो एटीएम पिन यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आपके अकाउंट से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने टी पिन को यहाँ पर रिसेट कर सकते हैं। तो न्यू टी पिन आप अपने हिसाब से यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। जो न्यू टी पिन यहाँ पर आप एंटर करेंगे वही सेम टी पिन यहाँ पर भी आपको 4 डिजिट का एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टी पिन एंटर कर देता हूँ। न्यू टी पिन एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे उस समय यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा और आपका जो टी पिन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक मनी ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो टी पिन है वो फॉरगेट हुआ या नहीं। तो उसके लिए हम बैक हो जाते हैं। टोटली बैक होने के बाद मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने के लिए यहाँ पर मैं अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए 10 रुपीज यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद जो अभी हमने न्यू टी पिन बनाया है वही टी पिन मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है, देख सकते हैं जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से जो पीएनबी वन एप्लीकेशन का टी पिन है वो आप फॉरगेट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।